क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर, हमने लास्ट टाइम कर लिया था ये, क्वालिटी फैक्टर की ये डेफिनेशन नहीं करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड हमें एनर्जीज में काम नहीं किया अभी तक। हम दो डेफिनेशंस कर चुके हैं क्वालिटी फैक्टर की। पहली डेफिनेशन मैंने करवाई थी वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर और डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, शायद मैंने आगे सॉल्व भी किया, मैंने ये करवाया था, ये मैंने लिखवा दिया आपको, लेकिन मैंने यहाँ लिखा भी अभी भूल गया मैं। तो क्वालिटी फैक्टर इज वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर। तो हमने याद है ये रिजल्ट्स किए थे। तो जब पेपर में आएगा क्वालिटी फैक्टर पे लिखना, आप ये लिख देना सफिशिएंट है कि सीरीज एलसीआर के अंदर क्वालिटी फैक्टर की ये डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपको क्वालिटी फैक्टर ऑब्जेक्टिव के अंदर आ गया इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, तो मैंने आपको एक और डेफिनेशन भी लिखवाई थी कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ से क्या कर देना है, डिवाइड, तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। तो दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वोल्टेज बाय वोल्टेज वाली भी और बैंडविड्थ वाली भी। अब ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको आज बता दिया, बैंडविड्थ निकालने का तरीका क्या होता है, आर बाय एल। आज लिखवाया मैंने बैंडविड्थ एफ टू माइनस एफ वन या आर बाय एल, एल ऊपर चला गया। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वन बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे वन बाय रूट ऑफ एल सी, आंसर वही आएगा जो आपने अपने हाथ से क्वालिटी फैक्टर में लास्ट टाइम लिखा था। तो आप जैसे मर्जी कर लें, आप ऐसे एक्सप्लेन कर लें या आप बैंडविड्थ से कर लें, आप वोल्टेज बाय वोल्टेज से कर लें, जैसी इच्छा वैसे कर लें, आपकी मर्जी है। दोनों डेफिनेशन लिखनी है, दोनों लिख देना। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव में बैंडविड्थ के फॉर्म में क्वालिटी फैक्टर पूछे तो ये लिख देना, ये मार्क कर देना। और अगर वोल्टेज बाय वोल्टेज पूछे तो फिर वो तो हमने कर ही लिया। तो ये क्वालिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक आएगा पेपर में पक्का।